नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आनंद मोहन को तो नीतीश कुमार ने रिहा करा लिया, लेकिन इसके आफ्टर मैथ में नीतीश कुमार को फायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे, अब इसकी चर्चा शुरू होने लगी है। नीतीश कुमार चाह कर भी अब इस फैसले को पलट नहीं सकते हैं, अब उन्हें इसके अच्छे और बुरे परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। जाहिर तरफ भाजपा ये सुनिश्चित करेगी कि नीतीश कुमार इसका कोई भी फायदा न उठा ले, वहीं इसके नुकसान यदि होते हैं तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जब तीसरे नंबर की पार्टी है, यहाँ से अब कहाँ जाएंगे आप बेहतर समझ सकते हैं। हालांकि जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं आनंद मोहन उनके परिवार के लिए काफ़ी राहत देने वाला है। लगातार उनकी पत्नी, उनके पुत्र, उनकी पुत्रियाँ, लगातार ये परिवार ही परेशान था इस पूरे प्रकरण के दौरान। जिस तरीके से ये घटना हुई थी, समय बीतता गया, कहीं ना कहीं सजा की अवधि भी समाप्त हो गई, अब लगातार वो जेल में बने हुए थे, इससे उनके समर्थकों में भी नाराजगी थी और वो नाराजगी विभिन्न राजनीतिक दलों को विभिन्न मंचों पर झेलना पड़ा था। ऐसे में नीतीश कुमार के इस फैसले की वजह से ये सारा विवाद समाप्त हो जाता है और एक नया विवाद शुरू होता है कि राजपूतों का अब वोट बिहार में किस तरफ जाएगा। ये वोट बैंक वैसे तो बहुत बड़ा निर्णायक वोट बैंक नहीं है, लेकिन यदि किसी पहले से जुड़े हुए राजनीतिक समीकरण उस वोट बैंक में जोड़ दिया जाए तो इसकी महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। खासतौर पे बीते दिनों में हमने जब देखा है कि 200-400 वोटों से भी जीत हार का फैसला हो जा रहा है। ऐसे में आगामी दो बड़े चुनाव बिहार में, जो विधानसभा चुनाव होना है और देश में लोकसभा चुनाव होना है, इन दोनों के हिसाब से आनंद मोहन की रिहाई एक बड़ा राजनीतिक कारण बन सकता है। अब इस मामले पर नीतीश कुमार ने तो अपना स्टैंड बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था, उनके गठबंधन में भी उनका विरोध हो रहा है, उनके विरोधी लगातार विरोध कर रहे हैं, कई लोग उनके विरोध में हैं लेकिन आनंद मोहन के सपोर्ट में भी खड़े हैं। ऐसे में आनंद मोहन के मामले पर सबसे बड़ा बयान उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के साथ थे, जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी उस दौरान कई मुद्दों पर नीतीश कुमार को डिफेंड भी कर रहे थे और भाजपा से लड़ाई लेने के लिए तैयार भी थे। संजय जायसवाल और उनकी अदावत आपको याद होगी। बाद में आरसीपी सिंह के निकलने के बाद एक काफ़ी बड़ा स्पेस बना जिसमें उपेंद्र कुशवाहा थ्राइव करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अंततः इस बात का एहसास हुआ कि नीतीश कुमार उन्हें संटिंग में डाले हुए हैं, विशेष कुछ उनके लिए सोच नहीं रहे। तब उन्होंने अपने आप को अलग किया और अपनी एक नई पार्टी आरएलजेडी बनाई, जिसमें अब वो लगातार काम कर रहे हैं और जिसकी जो कार्यकर्ताओं की संख्या है वो लगातार बढ़ा रहे हैं। ये भी दावा उन्होंने किया था कि जदयू जल्द ही टूटेगी और उसके सारे लोग उनके साथ आ जाएंगे और उनकी पार्टी और बड़ी हो जाएगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात अमित शाह से दिल्ली में हुई। दिल्ली में मुलाकात के बाद ये लगभग कयास लगाए जाने लगे कि सीटों को लेकर भी उनका समीकरण बन गया है, लेकिन इन सब दावों के इतर उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से ऐसा बयान देते हैं जिसकी वजह से लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनका दिमाग एक जैसा ही काम कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने आनंद मोहन के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो अच्छा ही लिया है, निश्चित तौर पर सोच समझकर फैसला लिया होगा। आनंद मोहन जितने दिनों तक जेल में थे और जो अवधि उन्होंने पूरी कर ली है उस पर कोई एतराज़ किसी को होना नहीं चाहिए। हाँ, कानून को लेकर नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है ये एक सरकारी फैसला है और इस पर मुझे टिप्पणी विशेष नहीं करनी है। अब इस मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार के पक्ष में, नीतीश कुमार के पक्ष में उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है, इससे उनके समर्थकों और जदयू के नेताओं के बीच कौतूहल बना हुआ है। चर्चा खूब हो रही है कि क्या अमित शाह के साथ उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत फ्रूटफुल हुई, क्या अमित शाह उपेंद्र कुशवाहा की शर्तों को मानने वाले हैं, क्या एक सम्मानजनक समझौता उनके और अमित शाह के बीच हो सकता है। अगर ये सब कुछ होता है तो ठीक, वरना नहीं होता है तो इस माध्यम से ही, इस बयान के माध्यम से ही क्या एक बार उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार की तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर आरसीपी सिंह के साथ जो हुआ, एनडीए में जाने के दौरान लगातार ये चर्चाएं हुई कि उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, राज्यसभा भेजा जाएगा भाजपा की तरफ से, लेकिन ये सब कुछ नहीं होने के बाद अब ये खबर आ रही है कि वो वापसी कर सकते हैं नीतीश कुमार के साथ। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी अपने रास्ते खुले रखना चाहते हो तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700।